घबराए हुए सहमे हुए राहुल गांधी। महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा होती है तो चर्चा में आते नहीं, सदन में वॉकआउट कर जाते हैं। अभी निर्मला जी ने विस्तार से उत्तर दिया कि कोविड की समस्याओं के बावजूद भारत की आर्थिक व्यवस्था दुनिया के कई बड़े देशों की तुलना में अच्छी है, सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है और दुनिया के बड़े बड़े संस्थाओं ने भी भारत के आर्थिक मैनेजमेंट की तारीफ की है। इसी महंगाई और कोविड के बावजूद 200 करोड़ फ्री वैक्सीन लगाया गया और बाकी 80 करोड़ लोगों को आज तक भोजन कराया जाता है। तो जब भी चर्चा होती है तो कांग्रेस पार्टी चर्चा करके भाग जाती है। साफ झूठ बोला राहुल गांधी ने, मैं आरोप जिम्मेदारी से लगा रहा हूं। अभी दो दिन पहले जो सदन की चर्चा हुई उसमें कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भाग लिया कि नहीं लिया, बड़े तीखे निम्न स्तर के आरोप लगाए कि नहीं लगाए। ये झूठ क्यों बोला राहुल गांधी ने कि उनको बदले गया था, ये देश को बताना जरूरी है। तो महंगाई और बेरोजगारी एक बहाना है, सही कारण है ईडी को धमकाना, डराना और परिवार को बचाना, यह है पूरा मामला। मैं पुनः इसको कहूंगा, महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा एक बहाना है, मूल रूप से ईडी को डराना, धमकाना और परिवार को बचाना है। राहुल गांधी जी, आपने लोकतंत्र पर आज बहुत ही शर्मनाक बात कही है, गैर जिम्मेदारना बात कही है। राहुल गांधी को हम क्या कहें, उनकी दादी जी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी, आज मीडिया पर भी बहुत हमला किया उन्होंने, इमरजेंसी में बड़े बड़े संपादकों को जेल में बंद किया गया था, सेंसर लगाया गया था। और राहुल गांधी, याद करिए, आपकी दादी जी ने कमिटेड जुडिशरी की बात की थी, कुछ याद है आपको? लोकतंत्र की नसीहत हमें देते हैं। अरे राहुल गांधी, आप एक सवाल का जवाब दीजिए, आपकी पार्टी में लोकतंत्र है क्या? आई रिपीट, मिस्टर राहुल गांधी, प्लीज रिप्लाई टू द स्ट्रेट क्वेश्चन, डू यू प्रैक्टिस डेमोक्रेसी विद इन योर पार्टी? आपकी पार्टी में अच्छे नेता हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन बस सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी, ये तो तीन कहानी है। आपकी अगुवाई में कांग्रेस पार्टी बार बार हारती है। कांग्रेस पार्टी को अगर जनता वोट नहीं देती है तो कृपया करके लोकतंत्र पर क्यों आप ठीकरा फोड़ते हैं राहुल गांधी? व्हाई यू ब्लेम डेमोक्रेसी व्हेन द पीपल ऑफ इंडिया रिजेक्ट यू विद रिपीटेड रेगुलरिटी? अब इसके लिए हम कहां से जिम्मेवार है भाई? 19 के चुनाव में आपने हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री पर क्या क्या नहीं कहा, जिन शब्दों को हम कह नहीं सकते, चौकीदार को लेकर उन्होंने क्या क्या शब्द नहीं कहा, देश ने रिजेक्ट कर दिया, आपको और कस के हरा दिया, हमें और बहुमत दे दिया, आपकी बहन गई उत्तर प्रदेश में, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा लेकर के तो जनता ने आपको एक सीट नहीं दिया, आप बंगाल गए वहां आप साफ हो गए। तो राहुल जी, अगर आपकी बात जनता सुनती नहीं है तो आप हमें क्यों ब्लेम कर रहे हैं? ये खींच करना बंद करिए। सही सवाल यह है कि कांग्रेस का लोकतंत्र भ्रष्टाचार तंत्र था,
democracy under Congress party had become an epitome of corruption. आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सत्ता के गलियारों में बिचौलियों के लिए दरवाजे बंद हैं, डिफेंस डील में कोई कट नहीं होती, तो कांग्रेस पार्टी और उनका जो पूरा तंत्र है जो भ्रष्टाचार पर चलता रहा है वो परेशान है, और उसकी व्यथा राहुल गांधी की बातचीत में दिखाई पड़ती है। राहुल गांधी ने कहा मैं सत्य बोलता हूं, बहुत कष्ट के काम है। तो राहुल गांधी अगर आप इतना सत्य बोलते हैं तो एक बार देश को बता दीजिए आप बेल पर क्यों हैं? आई रिपीट, इफ राहुल गांधी वॉज प्राउडली क्लेमिंग दैट ही स्पीक्स ट्रूथ एंड ओनली ट्रूथ, मिस्टर राहुल गांधी प्लीज टेल द नेशन व्हाई आर यू ऑन बेल? And in what offense are you on bail? आज देश को बताना जरूरी है यह पूरा नेशनल हेराल्ड का मामला क्या है, यह पूरा केस हमारी सरकार के आने के पहले फाइल है, और हमारी सरकार के आने के पहले इस पर मजिस्ट्रेट के यहां कॉम्प्लेंट हुआ, और कॉम्प्लेंट होने के बाद उन्होंने कॉग्निजेंस लिया, और कॉग्निजेंस लेकर करके क्या आरोप लगा, 420 धोखाधड़ी, 120B षड्यंत्र, बाकी भी लगे, एंड द कोर्ट फाउंड दैट दिस अपीयर्स टू बी ए क्लियर केस ऑफ चीटिंग एंड कॉन्स्पिरेसी टू ग्रैब पब्लिक प्रॉपर्टी। आज मैं देश को बताना चाहता हूं क्योंकि राहुल गांधी झूठ बोले, इस सच्चाई को नहीं बताए कि क्यों बेल पर है। नेशनल हेराल्ड एक पुराना अखबार था आजादी के आंदोलन का, नेहरू जी के समय का था, नहीं चल पाया, 80 करोड़ से ऊपर की देनदारी थी। 2010 में एसोसिएटेड जर्नल जो अखबार निकालता था उसने इस पूरे को यंग इंडिया को शेयर दे दिया, सिर्फ 5 लाख रुपए जमा किए गए थे याद करिए, जिसमें ये यंग इंडिया बनी थी। यंग इंडिया के डायरेक्टर्स कौन थे? सोनिया जी 38%, राहुल गांधी 38%, और बाकी मोतीलाल जी और ऑस्कर फर्नांडिस जो नहीं रहते। इन्होंने मात्र 50 लाख रुपया दिया कांग्रेस पार्टी को, नेशनल हेराल्ड को, और कांग्रेस पार्टी ने 80 करोड़ का लोन माफ कर दिया। वो 50 लाख रुपए भी मीडिया में चर्चा है, हवाला से आए, तो अर्थात मात्र 5 लाख रुपए लगाकर 5,000 करोड़ की नेशनल हेराल्ड की संपत्ति दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में, पटना में, मोहाली में, सब इस फैमिली कंट्रोल ट्रस्ट में आ गई। यही तो कहानी है। क्या सच्चाई नहीं कि राहुल गांधी और सोनिया जी दिल्ली हाईकोर्ट में क्वेश्चनिंग के लिए गए, वहां रिजेक्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट गए वहां रिजेक्ट हो गया, तो बेल लेना पड़ा। बाद में इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई, उसमें भी वो हारे, ट्राइब्यूनल में गए उसमें भी हारे, टैक्स लगा। राहुल गांधी की अगर कोर्ट आपको बेल नहीं देती है, अगर आपका कंप्लेन भ्रष्टाचार का कॉश नहीं होता है, तो आप इंस्टीट्यूशन को ब्लेम करेंगे? क्या मतलब है इसका? भारत की न्यायपालिका आजाद है, भारत की जुडिशरी की चर्चा दुनिया में होती है, और आपने बार बार कहा ऑल इंस्टीट्यूशंस, इलेक्शन कमीशन देश का चुनाव कराता है, आज सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, ईवीएम से है, आपको वोट नहीं मिलता, आप हार जाते हैं, तो आप इंस्टीट्यूशन को ब्लेम करेंगे? आप संसद चलने देते नहीं है सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए, और आप इंस्टीट्यूशन को ब्लेम करेंगे? और मीडिया आपकी सच्चाई लिखे तो आप बिके हुए हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप विदेश चले जाते हैं। तो इफ यू आर सो मच नॉन सीरियस अबाउट पॉलिटिक्स राहुल गांधी, डोंट ब्लेम द इंस्टीट्यूशंस।
आज मुझे राहुल गांधी से एक बार बात कहनी है। राहुल गांधी जी, आप मोदी जी की आलोचना करिए, आप बीजेपी की आलोचना करिए, लेकिन अब आप देश की आलोचना कर रहे हैं और अपने राजनीतिक स्वार्थ भ्रष्टाचार से बचने के लिए अब आप पूरे देश की आलोचना कर रहे हैं, देश के संस्थानों की आलोचना कर रहे हैं। मिस्टर राहुल गांधी, स्टॉप डिमीनिंग द इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया टू सेफगार्ड योर ओन करप्शन एंड मिसडीड्स। आप राहुल गांधी इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, आप मुझे ये बताइए, अभी कोविड हुआ था, पूरा देश एक था लड़ाई में, आपने कितना मजाक उड़ाया कोविड के खिलाफ लड़ाई का। देश के साइंटिस्ट ने वैक्सीन बनाया, ये वैक्सीन भारतीयों को भी मिली और दुनिया के 80 से अधिक देशों में गई, आपने उसका भी मजाक बनाया। देश को जगाने के लिए ये कहा गया कि हम लोग सब लोग बताएं वैक्सीन ले और अपनी फोटो अपलोड करें ताकि देश की जनता को प्रेरणा मिले, आपने और आपके नेताओं ने कभी किया क्या? यह है आपका संस्थाओं का सम्मान राहुल गांधी। और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत रोचक दिन हुई है राहुल गांधी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, आज है 5 अगस्त, आज के दिन धारा 370 समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय हुआ था। आज जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है, लोग जय जयकार कर रहे हैं और आप तिरंगे का अपमान, और उनके साथ जो बैठे हुए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो हिटलर को कोट कर रहे थे, हिटलर को कितना पढ़ा है याद करिए, अगर तानाशाही इस देश ने देखी है तो कांग्रेस के राज में देखी है, इमरजेंसी के समय जब जजेस सुपरसीड हुए, जब नेताओं को मीसा में बंद किया गया, जब लोकनायक जयप्रकाश जैसे महान नेता किडनी खराब थी उनको भी जेल में बंद किया गया, संपादक गिरफ्तार हुए, कमिटेड जुडिशरी की बात की गई, तो राहुल गांधी कृपया करके ये सब ज्ञान न दें। एक बात हमें और कहनी है, आपने व्यापार तो बहुत सुना होगा, लेकिन हम देश की ओर से जरूर सवाल उठाना चाहेंगे कि मात्र 5 लाख की कंपनी बनाकर 5,000 करोड़ की संपत्ति कैसे आती है, वो भी दिल्ली में, मुंबई में, ये सब सरकारी जमीन पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी, आज सब उनके कंट्रोल में है। ईडी के अंदर वो क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं उसको मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन आज मुझे बहुत गर्व से कहना है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत प्रामाणिक काम किया है। गरीबों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, लाखों करोड़ रुपए उनके अकाउंट में पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, बिचौलिए साफ हैं। सरकारी ठेके में, डिफेंस की खरीदगी में, आपूर्ति में बिचौलियों के रास्ते बंद हैं, और जितने बिचौलिए आ रहे हैं सबके संबंध कहां है ये बार बार सामने में आ रही है। राहुल गांधी क्या चाहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी से कार्रवाई नहीं हो क्या? ये कार्रवाई कभी नहीं रुकेगी, ये देश अपेक्षा करता है। आज ये सच्चाई नहीं है कि हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने जब्त की है, आप ही लोग तो लिखते हैं मीडिया में, क्या सच्चाई नहीं कलकत्ता में कितने करोड़ रुपए दिखाई पड़ रहे हैं फ्लैट में, कितने गहने दिखाई पड़ रहे हैं, रांची में दिखाई पड़ रहे हैं, मुंबई में बड़े बड़े नेता जेलों में बंद हैं, बेल नहीं मिलती उनको, यह है बड़े सवाल। आज ये देश नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ईमानदारी से काम कर रहा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जबरदस्त प्रहार हो रहा है। हाँ, इस प्रहार से कांग्रेस पार्टी को परेशानी होती है, हम समझते हैं, लेकिन राहुल जी उस परेशानी का हम कुछ नहीं कर सकते, जो आपने करा है वो आपको भोगना पड़ेगा। अगर 5 लाख रुपए की संपत्ति लगाकर हवाला के माध्यम से पैसा लेकर 5,000 करोड़ की संपत्ति अगर आपके पास आती है तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, ट्रायल फेस करना पड़ेगा, ईडी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। एक और बात मुझे कहनी है,
जिसका मुझे बहुत दुख लगा है। राहुल गांधी ने आज स्टार्टअप का मजाक उड़ाया है। राहुल गांधी आईटी को आप समझते हैं क्या? अरे बात बहुत गंभीरता से पूछ रहा हूं। राहुल गांधी जी स्वयं कितना अध्ययन करते हैं इस पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन क्या उनको सही जानकारी मिलती है क्या कि भारत का स्टार्टअप मूवमेंट आज दुनिया का तीसरा चौथा नंबर पहुंच गया है कुछ वर्षों में? राहुल गांधी आपको पता है क्या कि भारत के स्टार्टअप मूवमेंट में 100 स्टार्टअप यूनिकॉर्न हो गए? ये नौजवान बच्चे हैं। राहुल गांधी यूनिकॉर्न का मतलब आप समझते हैं? यूनिकॉर्न का मतलब होता है $1 बिलियन रेवेन्यू, 7,000 करोड़। और ये 25-30 साल के बच्चे नरेंद्र मोदी की अगुवाई में प्रोत्साहन से आज दुनिया में भारत का परचम लहरा रहे हैं। राहुल गांधी जी आपको पता है क्या दुनिया की तमाम आईटी कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं अधिकांश के? राहुल गांधी जी आपको पता है क्या इंडियन आईटी इंडस्ट्री की का आदर पूरी दुनिया में होता है? आज आपको पता है कि किस तरह से डिजिटल इंडिया, डिजिटल पेमेंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोविड के समय जिस तरह से 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी गई और उसकी पूरी सूचना मोबाइल पर अवेलेबल थी डिजिटल माध्यम से, ये कुछ जानने की कोशिश की है आपने? और आपने स्टार्टअप पर मजाक कर दिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी मैं भर्त्सना करता हूं। बेरोजगारी की दिशा में भी बहुत काम हो रहे हैं। सड़कें बनती हैं तो नौकरी मिलती है कि नहीं? अगर हर गांव में बिजली जाती है तो नौकरी मिलती है कि नहीं? अगर आज भारत में पूंजी निवेश हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, मोबाइल 2 से 270 हो गया, आज बड़ी बड़ी कंपनियां फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, विस्ट्रॉन भारत में मोबाइल बना रही हैं, तो उसमें नौकरी मिलती है कि नहीं मिलती है, आप मुझे बताइए? तो आज मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, बाकी बढ़ रही है, नौकरी मिल रही है। हाँ, कोविड से कठिनाई आई है, लेकिन भारत के अंदर की ताकत मजबूत है, उसको हम ठीक करेंगे। तो आज का राहुल गांधी का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, और एक रोचक बात मैं कहूंगा, इसमें भी प्रेस को वो अकेले हैंडल करने की हिम्मत नहीं दिखा सके। एक मुख्यमंत्री जो उनसे पहले बोलने लगे, अभी उनका अंदरूनी विषय है। हम लोग का एक सिस्टम है कि जिसकी प्रेस होती है वो सबसे पहले बोलते हैं। एक बात जनाब रमेश ने हमारे प्रधानमंत्री पर कही, वो प्रेस नहीं करते, राहुल गांधी प्रेस करते हैं। मिस्टर जयराम रमेश, हमारे प्रधानमंत्री देश से बात करते हैं, पूरे देश में घूमते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, सबों के सवालों के जवाब देते हैं और पूरे देश का मान बढ़ाते हैं। संसद के अंदर जवाब देते हैं ना, तो आप उनका उत्तर सुनते हैं क्या? कांग्रेसी लोग शांत हो जाते हैं उनके उत्तर सुनकर। तो इस तरह की हल्की बातें करना बंद करें। देखिए, समस्या बहुत साफ है, देश का लोकतंत्र अब फैल गया है। आम आदमी इस लोकतंत्र में अपनी साख समझता है, और जिस तरह एक परिवार ने पूरा कंट्रोल किया हुआ था लोकतंत्र पर अपने लिए और अपने हितों के लिए, उससे देश आगे निकला है, इसलिए वोट नहीं मिलता है। और अंतिम बात कहनी है, नेशनल रिजल्ट से क्यों घबराए हुए हैं? क्या संकेत है? कांग्रेस पार्टी परिवार की जेब में, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व परिवार की जेब में, अब कांग्रेस पार्टी की संपत्ति भी परिवार की जेब में। द क्रक्स ऑफ द नेशनल हेराल्ड करप्शन इज स्ट्रेट एंड सिंपल। द कांग्रेस पार्टी इज इन द पॉकेट ऑफ द फैमिली। द लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस पार्टी इज ऑल्सो इन द पॉकेट ऑफ द फैमिली। द नेशनल हेराल्ड केस डिमॉन्स्ट्रेट्स that now the family also wants to control the property of the party into the pocket of the family. यही सच्चाई है। धन्यवाद सर। एक सवाल ये था कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को हिटलर कहा कि चुनाव तो हिटलर भी जीत जाता था। दूसरी बात उन्होंने कही कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है क्योंकि सभी संस्थाओं पे बीजेपी सरकार और आरएसएस का कब्जा है। ऐसा है, ये उनकी हताशा। अब मैं राहुल गांधी के घटिया आरोप को बोलने के लिए यहां नहीं बैठा। कितना तंग किया गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में,
तब कर निकले कि नहीं निकले निर्दोष होकर, कानून की प्रक्रिया से निकले ना। जनता ने एक बार नहीं दो बार लोकसभा जिताया, दर्जनों विधानसभा जिताया उनकी अगुवाई में, और आगे 24 में भी जीतेंगे। तो जनता का विश्वास है, यही तो लोकतंत्र है। तो फिर कहूंगा राहुल गांधी जी, अगर जनता आपको वोट नहीं देती तो कृपया करके लोकतंत्र को आरोप लगाना बंद करिए। देखिए राहुल गांधी जी, आज मैं आपको विनम्रता से कहना चाहूंगा, मैं भी एक स्वयं सेवक हूं, आपके परनाना जी, परदादा जी क्षमा करें नेहरू जी, और आपकी दादी इंदिरा जी, उन्होंने संघ को बहुत आरोप लगाया, बहुत आलोचना की थी। आपकी पार्टी घटती गई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि एक राष्ट्रवादी संगठन है जिसने भारत की सनातन संस्कृति के साथ इस देश को प्रेरित किया है, समाज सेवा का काम किया है, देशभक्ति का पाठ पढ़ाया है। कृपया करके ऐसे प्रामाणिक संगठन जो देशभक्ति के लिए हमेशा खड़ा रहता है, उसके खिलाफ ऐसी हल्की सतही बातें करना बंद करें और आप छोटे होते जाएंगे। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि सारा सिस्टम मेरे हाथ में दे दो तो मैं बताता हूँ इलेक्शन कैसे जीतते हैं। अब इस हल्की बात का मैं क्या जवाब, इससे बड़ी कोई हल्की बात हो सकती है? लेकिन आज जो सबसे उन्होंने बार बार कहा है ऑल द इंस्टीट्यूशंस, राहुल गांधी प्लीज क्लैरिफाई, डू यू मीन ऑल्सो द जुडिशरी ऑफ इंडिया? क्या भारत आपको, क्या भारत की न्यायपालिका पर भी आपको विश्वास नहीं है? शायद ये पीड़ा इसीलिए कि आपको बिल नहीं मिलता है, तो आप भ्रष्टाचार करेंगे, आप इस प्रकार से हजारों करोड़ की संपत्ति को अर्जित करेंगे और आपसे कोई सवाल नहीं पूछे। कोर्ट कहेगा ट्रायल फेस कीजिए चीटिंग का, तो आप कहेंगे सारे इंस्टीट्यूशन कंट्रोल में। इससे बड़ी तो गैर जिम्मेदार ना और शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती। राहुल गांधी जी, मैं आपको एक बात आज जरूर कहूंगा, आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री की लोकतांत्रिक नीयत को, 14 में पहली बार प्रधानमंत्री बने तो 15 अगस्त को लाल किले से कहा भारत को बनाने में सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान है। नेहरू जी का भी नाम लिया, इंदिरा जी का भी नाम लिया, राजीव गांधी का भी नाम लिया। आप कैसे चर्चा करते हैं हमारे प्रधानमंत्री की, आज आपने अपने प्रेस में दिखा दिया। और अभी तीन मूर्ति का म्यूजियम बना तो हमारे प्रधानमंत्री का बड़ा हृदय देखिए, उन्होंने कहा भारत के सारे प्रधानमंत्रियों का इसमें स्थान दो। तो ये हमारी लोकतांत्रिक सोच है। आपके बारे में क्या कहूं, मैं, मेरी माताजी, मेरी बहन, मेरी पार्टी, मेरी जेब में और मेरी सोच, ये आपकी सोच है। थैंक यू। सर, अभी मार्च कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, कांग्रेस पार्टी जो है मार्च कर रही है। लोकतंत्र में हर को मार्च करने की आजादी है, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। इतने दिन वो भी सत्ता में रहे हैं, अच्छी बात है, मार्च करें, लेकिन लोकतंत्र खतरे में है ये दुहाई देना बंद करें। भ्रष्टाचार तंत्र कांग्रेस का खतरे में है और हम चाहते हैं वो खतरे में रहे, वो कार्रवाई होगी, रुकेगी नहीं। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Voter Story and support independent, robust journalism.